गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा सिस्टम आप समझ गए होंगे। भी एक बहुत ही शानदार होटल के अंदर और बहुत ही शानदार ऑप्शन है रहने के लिए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए रहने का सबसे जो है मेन एक सोच बनती है, एक इशू होता है कि कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करना है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार एक ऑप्शन लेके आए हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सामने सिंध के बस स्टैंड का बाहर निकलने का रास्ता है, जहाँ से बसें बाहर निकलती हैं। और ये ऊपर सामने मेट्रो है, बाहर निकलने के गेट से हम निकल के इधर की तरफ चलना है, पोलो विक्ट्री की तरफ। ये हम सिंध कैंप से इधर जब चल के आते हैं तो तकरीबन यहाँ इसके पीछे की तरफ, ये जो आपको दिख रहा है इसके बिल्कुल पीछे की तरफ हमारा होटल है। आगे गली है, इस गली से हमें अंदर जाना है। ये सामने से हम आते हैं यहाँ पर, तो ये आप व्यू देख लें। और ये अंदर एक गली जा रहा है पतला छोटा, इसी गली में अंदर जाना है। और ये यांबटोरिया बस सर्विस लिखा हुआ है पूजा ट्रेवल्स, इसी के साथ ये गली है, इसी गली में हमें अंदर जाना है। और ये इसके सामने का व्यू है पूरा। और इधर से जैसे ही हम इधर एंट्री करते हैं तो ये सामने होटल है। और ये होटल है, होटल राम सिंह पैलेस जिप्सी मंकी। काफ़ी आगे जगह भी है पार्किंग का। तो ये सामने का व्यू है, यहाँ अच्छी खासी आपको पार्किंग की जगह स्पेस मिल जाता है यदि आपके पास साधन कोई है, फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, काफ़ी खुली जगह है। और ये सामने का एरिया, और ये होटल के हम अंदर आते हैं और भैया से मैं मिलाता हूँ आपको। भैया अपना नाम बताएं। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, तो आप यहीं काम करते हैं? आप ही मिलते हैं यहाँ पे, दो तीन साथी हैं आप लोग मिलते हैं? अच्छा, तो यहाँ क्या है डॉर्मेट्री का, क्या रेट लेते हैं आप? डॉर्मेट्री है सर 350। 350 डॉर्मेट्री है, एसी डॉर्मेट्री 350 में देते हैं। बहुत ही बढ़िया। और उसके साथ में आरओ का पानी वगैरह मिलता है? आरओ का पानी है, फ्री वाईफाई है। फ्री वाईफाई है, ट्रैवलर के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि आपको कॉमन एरिया बहुत सारा मिल जाता है बैठने के लिए। और ऊपर रेस्टोरेंट है, जैसे आपने आगे वीडियो में देखा, तो उस रेस्टोरेंट में भी आप बैठ के आराम से खाना वगैरह खा सकते हैं। और 350 में आपको डॉर्मेट्री और रूम भैया कितने का? 1200। रूम 1200 रुपये, डबल बेड का है। सिंगल बेड भी है? सिंगल डबल सेम ही, मतलब डबल बेड ही है, डबल बेड ही है। वो भी एसी है? नॉन एसी भी है अपने पास ऑप्शन? नॉन एसी का ऑप्शन ही नहीं है, तो पूरा एसी है, एसी का होटल है। और नया होटल है, बहुत ही शानदार बना हुआ है आप देखें तो। ये यहाँ का रिसेप्शन है और ये भैया यहीं पे मिल जाते हैं। और चेकआउट का वैसे क्या टाइम रहता है सर? 12 बजे का चेक इन टाइम होता है अपने, और अगले दिन 11:30 बजे का चेकआउट टाइम होता है। अच्छा, 12 से 11:30 तक आपको का पूरा टाइम मिलता है, आराम से आप यहाँ पर अपना इन्जॉय कर सकते हैं। और 11:30 आपको चेकआउट करना है। और यदि कोई एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए रुकना चाहिए तो उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट या कुछ होता है क्या सर? वो तो सर वैसा कुछ नहीं है, देखते हैं उस हिसाब से, उस टाइम पे हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। यदि आप रुकना चाहते हैं और जी लॉन्ग टाइम के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको अलग से मिल जाता है। मैं आपको होटल भी एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ का रिसेप्शन, आप यदि आके देखते हैं तो ये रिसेप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और पूरा वाईफाई और एसी दोनों सुविधाएं आपको मिलती हैं। और बहुत ही शानदार होटल है, एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आके मिल सकते हैं भैया से और रुक सकते हैं और यहाँ का जो है इन्जॉय कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था दोस्तों पूरा व्यू। और ये P102 प्राइवेट रूम, ये इधर वाशरूम, और ये पूरा रूम है। अब देखिए फैन लगा हुआ है, एसी है। ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में पूरा डिज़ाइन किया हुआ, काफ़ी स्पेस दोनों तरफ। जल महल जयपुर सब दिखा रखा है, इधर शीशा है, टीवी है, और ये पूरा सिस्टम यहाँ का। ये देखिए आगे घूमते घूमते हम यहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पे अभी हैं। और ये सेकंड फ्लोर पे यदि हम बात करें तो ये डॉर्मेट्री का रूम D202, और ये इसके अंदर बेड हैं,
काफ़ी स्पेस नीचे और ऊपर में काफ़ी स्पेस है, नीचे जगह है, अलमीरा बनी हुई है, आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं और एसी लगा हुआ है, खिड़की है बाहर कवियों के लिए। ये भैया इसके साथ में क्या देते हैं आप, बेड के ऊपर क्या देते हैं, कंबल वगैरह या? अच्छा, बेड शीट कंबल होती है और पिल्लो होता है। अच्छा, ये गद्दा भी काफ़ी मोटा गद्दा है। यदि हम दूसरे फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आते हैं सीढ़ियों से चढ़ के, ये जैसे ही हम रूफ टॉप पे आते हैं तो ये व्यू यहाँ का शानदार डिजाइनदार है, राजाओं की शान की तरह बनाया हुआ ये पूरा ऊपर का, ये देखिए व्यू। और ये गद्दे टेबल, आराम से बैठ के यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। और एक ऊपर और भी ऑप्शन आपके पास, ऊपर भी जा से ये सीढ़ियों से चढ़िए ऊपर भी जाके बैठ सकते हो। और इधर ये टेबल भी लगी हुई है, यहाँ भी बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हैं। और ये पूरा रूफ टॉप से जयपुर का व्यू, सामने मेट्रो, जयपुर मेट्रो जा रही है बिल्कुल पास से ही, होटल के पास से ही। और आगे ये सिंधी कैंप बस स्टैंड आ जाता है, और ये सिंधी कैंप का मेट्रो, जहाँ पर अभी मेट्रो एंट्री कर गई है, यही सिंधी कैंप मेट्रो है और इसी के नीचे बस स्टैंड है। और ये दूसरी साइड का व्यू, सामने दूर पहाड़ियाँ और पहाड़ियों पे महल बने हुए राजाओं के। और ये पुरानी पुरानी यहाँ भी आपको बिल्डिंगें इसी होटल से दिख जाती हैं। और ये नया होटल और ये कंस्ट्रक्शन सब, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी एक और जानकारी के साथ में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।